हेलो एवरीवन, आज की जो आपकी न्यूज़ है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब भितरकनिका नेशनल पार्क आपका न्यूज़ में क्यों है और किस वजह से है, तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है। तो देखिए, सबसे पहले भितरकनिका नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में ये आपका नेशनल पार्क है। और ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल क्रोकोडाइल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से ये जो आपका नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में है। उससे पहले अगर आपको, मैंने पहले भी बताया कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, एंड यूपीएससी के लिए और या फिर आपका स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में रामसर साइट्स हुए, नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, इनके बारे में पूछा जाता है। और रिसेंटली जो न्यूज़ में चल रही हैं उनसे रिलेटेड तो काफ़ी बार पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है आपका उड़ीसा में जो है, उसमें अभी फ़िलहाल जो है क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब बात आती है कि आपने पढ़ा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। अब नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आपका डिफरेंस आपको बहुत ईजिली पता होना चाहिए। हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड ये नेशनल पार्क है। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली आपकी प्रोटेक्ट करती है किसको, एनिमल्स को। एंड आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका प्रोटेक्ट करता है बोथ द स्पीशीज़, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को। एंड आपका जो नेशनल पार्क है वो आपके जो प्रोटेक्ट करते हैं वो करते हैं एनिमल्स एंड आपके प्लांट स्पीशीज़ को। नेशनल पार्क्स जो है टिपिकली लार्जर होते हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है इसमें। तो देखिए, अब भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में, सबसे पहले ये डेजिग्नेटेड कब हुआ, सितंबर 16, 1998। एंड इसको स्टेटस कब मिला, रामसर साइट का, वो मिला 2002 में, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल गया कि ये एक रामसर साइट भी है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसके बाद आता है नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आपका नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। तो नेशनल पार्क आपका बेसिकली एसोसिएटेड होता है किससे, बोथ स्पीशीज, एंड आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका एनिमल्स से। इसके बाद क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके वजह से आपके जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ है, उसी तरह से आपका प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल क्या है ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि स्टार्ट हुआ है 1975 में। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है प्रोटेक्ट करना रेप्टाइल्स को नेचुरल हैबिटेट में और रिबिल्ड करना पॉपुलेशन को। सेकेंड चीज़ है आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी आपका इम्पॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन के वजह से, कि आपका 2023 में जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंड स्टेट पीसीएस के भी, उनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसके वजह से इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ये आपका न्यूज़ में इस वजह से है। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। आने वाले टाइम पे हम न्यूज़ कवर करेंगे आपके सिंथेटिक एम्ब्रियो से रिलेटेड, जो अभी आपने देखा होगा सिंथेटिक एम्ब्रियो बना है विदाउट स्पर्म्स एंड आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो बना है आपका एम्ब्रियो, जिसमें ब्रेन एंड आपका जो हार्ट बीट है वो डेवलप हो चुकी है। तो वो न्यूज़ हम आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।